बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो आज की डेट पे हमारे एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं वो 538 हैं, जिनमें से 50 हमारे हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पजलपुरा जो एनएचपीसी हॉस्पिटल है उसके साथ सीएचसी हाजिन है, वहाँ पे एडमिट हैं। और उसके साथ साथ हमारे 22 ऐसे लोग हैं जो कोविड केयर सेंटर्स में अलग अलग पंचायतों में जो अभी बनाए गए हाल ही में उनमें एडमिट हैं। और हमारे 3 ऐसे पेशेंट हैं जो टर्शरी केयर सेंटर यानी कि श्रीनगर में जिनका इलाज चल रहा है। आप देखते जाएंगे कि पिछले कुछ टाइम से हमारा जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो रेट काफ़ी कम हुआ है, और जो सीरियस पेशेंट्स हैं जो एडमिट करने के लिए रिपोर्ट होते हैं उनका नंबर भी कम हुआ है। हमारी पॉजिटिविटी भी पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, और अभी हमारी 5% पॉजिटिविटी से अंदर ये चल रहा है। उसी के साथ हमारा रिकवरी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है, 2.7% से पिछले हफ्ते में अगर हम देखेंगे ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल ये 92.7% एवरेज अगर हम करेंगे आज तक पूरे जब से कोविड फर्स्ट वेव रही है, 92.7% जो कि एक अच्छा नंबर है, उस पर हमारा रिकवरी रेट चल रहा है। हमारे टोटल 27 कंटेनमेंट जोन हैं जिन पे 100% सैम्पलिंग और कंटेनमेंट और रिस्ट्रिक्शंस पे जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिसपे शुरू से ही हमारा फोकस रहा वो वैक्सीनेशन है। बांडीपुरा ज़िले में आज हमारा 1 लाख वैक्सीन्स का जो एक आंकड़ा है वो पार हुआ है, और ये बहुत ही मैं बोलूँगा सराहनीय बात है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी, जिन्होंने एक हिली एरिया होने के बावजूद और टफ एरियाज़ होने के बावजूद जो हमारी विलेज लेवल टीम्स हैं उनकी मदद से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स, वेरीफायर्स, इन सब की जो टीम है सरपंचेस के साथ मिलके, बीएलओस के साथ मिलके और रेवेन्यू और रूरल डेवलपमेंट के स्टाफ के साथ मिलके इन्होंने ये अलग अलग एरियाज़, इनएक्सेसिबल एरियाज़ उन सबको कवर किया। उसी के चलते आज हमारे 20 से ज़्यादा ऐसे विलेज हैं जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन, ये विलेजेस वो हैं, ये गांव वो हैं जो पहाड़ी इलाकों में हैं जहाँ पे जाने के लिए भी कई बार कुछ जगहों पे ट्रैकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे इलाकों के गांव जो है 100% हमारे अबव 45 वैक्सीनेट हो गए हैं। जो गांव हमारे दूर दराज इलाकों में थे इनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्योंकि इनमें जाने के लिए एक पूरा दिन लगता है, तो टीम को हाउस टू हाउस जो हमारा वैक्सीनेशन चल रहा था उसी के चलते टीम्स डिप्यूट की गई। तो जैसे वेवन है ये 8 से 10 किलोमीटर हमारा मेन बांडीपुरा से है, और जो ट्रैकिंग रूट है इसका 8 से 10 किलोमीटर का 2 से 3 घंटे लगते हैं, उसमें ये टीम वहाँ पे गई और वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ऑलरेडी वहाँ सरपंचेस से और उनसे बात करके उनकी रेलेवेंट जो डोजेस थी वो ली जाए, वो वहाँ पे लेके 100% वैक्सीनेशन वहाँ पे अचीव किया गया है। और ये बहुत ही एक मैं बोलूँगा सराहनीय बात है स्पेशली हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और जो बाकी टीम्स उनके साथ हैं। इसी के साथ साथ हमारे 20 और ऐसे विलेजेस हैं जिनमें 45 प्लस का जो हमारा टारगेट है 100% अचीव हो गया है, और बहुत सारों में ये अबव 95 है और जल्द ही 100% होने वाला है। ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करेंगे तो 85% हमने क्रॉस कर लिया है अबव 45 वैक्सीनेशन में, और बाकी भी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी हैं उनमें भी हमारा जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं एक मरतबा फिर इस चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि जो हमारा ये कोविड पैंडेमिक है इसकी लड़ाई अभी जारी है, हमें अभी भी एहतियात बरतनी है। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आज तक जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह साथ दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया है और बहुत ही मैच्योर तरीके से इस पैंडेमिक को डील करने में हमारी मदद की है, उसी तरह से आगे भी इसी मैच्योरिटी के साथ डील करें। मास्क पहनें, बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और कभी भी किसी भी तरह का कोई इशू हो या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारे जो कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट करें।